नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, नवरात्रि के दिवस चल रहे हैं, आज चतुर्थ दिवस है। चारों ओर भक्ति का सुंदर माहौल है, चारों ओर माँ माँ की सुंदर पुकार, और साथ ही माँ के प्रति जो एक श्रद्धा भाव है, सम्मान का भाव है, समर्पण का भाव है, वो हमें दिखाई दे रहा है सुंदर नवरात्र के पर्व में। मित्रों, चौथे दिवस में हम माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं, और माँ कुष्मांडा का जो स्वरूप है, उनकी मंद मुस्कान से कहा जाता है पूरी सृष्टि की रचना हुई। वास्तव में माँ हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने जीवन में मंद मुस्कान के साथ साथ मीठी वाणी और मीठे व्यवहार को शामिल करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन रूपी सृष्टि का निर्माण करती हैं। यदि मेरी सोच, मेरे बोल और मेरे व्यवहार में मिठास है, तो मेरे जीवन में मिठास घुल जाती है, मेरी पूरी सृष्टि में मिठास घुल जाती है। तो माँ कुष्मांडा हमें विशेष इस बात के लिए ही प्रेरित करती हैं, और भी विविध विशेषताओं से संपन्न है माँ कुष्मांडा। कौन कौन सी, आइए आज के सुवाक्य में जानते और सुनते हैं। हमें अपनी दिव्य ऊर्जा से नवाजा करती है देवी कुष्मांडा। देवी कुष्मांडा, जिनको ब्रह्मांड की आदि शक्ति भी कहा गया है, जो सृष्टि को जन्म देने वाली है, इनका निवास सूर्य के मध्य में दर्शाया गया है। इसका भाव यही है कि जब हम ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव के सानिध्य में रहते हैं, तो नई स्वर्णिम दुनिया को रचने के निमित्त बन जाते हैं। दुनिया की ओर अगर हम देखें, तो व्यर्थ संकल्पों का पहाड़ उमड़ रहा है। इन सब के बीच अगर हम अपने व्यर्थ समय और संकल्पों की बचत करें, तो परमात्मा पे ध्यान एकाग्र हो जाएगा। तो नवरात्र के इस चौथे दिवस पर हम माँ कुष्मांडा के दिव्य ऊर्जा को धारण करें और इस दुखमय संसार से सुखमय संसार की ओर चलें। जब हम सूर्य की ओर देखते हैं या हम सूर्य के करीब जाएं, ऐसा मान लें, तो सूर्य की ऊष्मा स्वतः हमें प्राप्त होती है। हमें मांगना नहीं पड़ता कि हमें शीतलता दो या हमें ऊष्मा दो, अपनी तेज या अपना ताप दो। ठीक वैसे ही जब हम देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, इष्ट का ध्यान करते हैं, तो वो दिव्य गुणों से संपन्न हैं, दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं, तो उनके दिव्य गुण स्वतः ही हमारे अंदर समाने लगते हैं। और इस नवरात्र में जो सुंदर एक भक्ति का माहौल है, उसमें जो हम देवियों की आराधना कर रहे हैं, वो हमारे अंदर गुणों को भरता चल रहा है, ऐसा हम सब महसूस कर रहे हैं। इन दिव्य गुणों से संपन्न जो देवियां हैं, उनके गुणों को अपने जीवन में लाना, इस नवरात्र में हमारा ये संकल्प और ध्येय अवश्य होना चाहिए। तभी ये नवरात्र हमारे लिए एक सफल नवरात्र होगा, हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कराने वाला होगा। ओम शांति, स्वागत है आपका ए टू जेड सुपर फूड सीरीज में। आज का अल्फाबेट है W, और W से जो दो सुपर फूड है, उसमें एक तो काफी कॉमन है, आपने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं व्हीट ग्रास, और दूसरा है वाटर चेस्टनट। वाटर चेस्टनट, जिसे हम हिंदी में सिंघाड़ा भी कहते हैं। तो व्हीट ग्रास जो है, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने अपने दिन की शुरुआत व्हीट ग्रास से करना चाहिए। या तो आप व्हीट ग्रास का जूस पिए, आप बहुत बिजी रहते हैं, आप जूस नहीं बना सकते हैं, तो व्हीट ग्रास का पाउडर भी अवेलेबल रहता है। पाउडर को सिर्फ आपको गर्म पानी में मिक्स करके पीना है। तो सुबह सुबह जब हम उठते ही व्हीट ग्रास लेते हैं, तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये अच्छी तरह से क्लेंज होती है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो कम से कम 2 से 3 महीने तक आप व्हीट ग्रास जूस या व्हीट ग्रास पाउडर सुबह सुबह खाली पेट लें, फिर 1-2 महीने के लिए आप ब्रेक दे दें, फिर से आप 2-3 महीने लें। इस तरह से अगर हम करें, तो हमें पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं वाटर चेस्टनट की, यानी कि सिंघाड़ा। नॉर्थ में सिंघाड़े का आटा बहुत कॉमन होता है, और स्पेशली नवरात्रि के टाइम पे। और सिंघाड़े का आटा ग्लूटेन फ्री है,
तो हम जितना ज़्यादा ग्लूटेन फ्री चीज़ें खाएंगे उतना हमारा पेट अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी भी ग्लूटेन वाली चीज़ें हम खाते हैं पेट में जाके चिपक जाता है और ये चिपकने की वजह से हमें बीमारियां होती है। तो हम ग्लूटेन फ्री, जैसे कि सिंघाड़े का आटे का हम कुछ बना के खाते हैं तो वो ग्लूटेन फ्री है, हमारे पेट में चिपकेगा नहीं और हमें डाइजेस्टिव इश्यूज़ होंगे नहीं। और पेट अगर साफ नहीं है तो सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ हमें सताते हैं। तो पेट को साफ रखने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, जहाँ पे हम वाटर चेस्टनट भी ले सकते हैं और साथ साथ में हम वीट ग्रास भी ले सकते हैं, तो हमारी सिस्टम डिटॉक्स होती रहेगी। थैंक यू, स्टे फिट स्टे हेल्दी, ओम शांति। मित्रों, देवी माँ के अलग अलग जो रूप हैं, उनके अलग अलग जो नाम हैं, वो अलग अलग विशेषताओं से भरे हुए हैं और अलग अलग विशेषताओं से हमें भी संपन्न होने के लिए प्रेरित करते हैं। माँ दुर्गा दुर्गुणों को हरने की प्रतीक हैं, माँ सरस्वती ज्ञान का प्रकाश देने की प्रतीक हैं, माँ लक्ष्मी हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने और सुंदर लक्षण जीवन में धारण करने की प्रतीक हैं, माँ संतोषी हमें संतुष्ट रहने के लिए प्रेरित करती हैं, तो वहीं माँ शीतला हमें अपने मन को शीतल बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। सचमुच देवी माँ के ये जो स्वरूप हैं, उनके जो विविध नाम हैं, वो हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए हमें प्रेरित करने वाले हैं। ऐसे ही माँ कुष्मांडा विविध आध्यात्मिक भावों से और रहस्यों से समाई हुई हैं। इनके जो कर्तव्य गाए गए हैं, इनका जो स्वरूप दिखाया गया है, उनके पीछे भी बहुत गहन आध्यात्मिक भाव हैं। क्या हैं वो, आइए देखें नवरात्रि नारी शक्ति में। ओम शांति। आज नवरात्रि के चतुर्थ दिन हम सभी याद कर रहे हैं माँ कुष्मांडा को। बहुत ही विशेष जिनका यादगार गायन है कि माँ के मधुर मुस्कान से एक ब्रह्मांड की रचना हो गई थी। अर्थात जब हम एक शुभ पवित्र भावना रख के किसी दूसरे को संसार को कुछ देते हैं तो एक नई रचना, एक सुंदर संसार बन जाता है। हमारे सभी संबंध, हमारे आसपास का वातावरण बदल जाता है। उस मुस्कान को प्राप्त करने के लिए हम सभी को आंतरिक उलझनों से, भय से, शोक से मुक्त रहना होगा। माँ कुष्मांडा की आराधना भय की मुक्ति के लिए ही की जाती है, जो सूचित करती है कि जीवन में किसी भी बात का भय हमारे लिए रुकावट बनता है। भय तब तक ही लगता है जब तक कि उस कार्य को हमने किया नहीं होता या उस बात का सामना नहीं किया होता है। जब हम किसी बात का सामना कर ही लेते हैं और पुरुषार्थ पूर्वक, प्रयास पूर्वक लग जाते हैं तो एक दिन वो भय मिट जाता है। तो इस शक्ति पर्व में हम माँ कुष्मांडा से वो प्राप्ति करें, ध्यान में बैठकर उस शिव की शक्ति को जैसे उन्होंने प्राप्त किया, हम भी भय मुक्त हो जाएं। जीवन अपने आप में एक खेल है और सब कुछ टेम्पररी है, तो भयभीत क्यों होना है। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी टेम्पररी है, चली जाएगी। तो चलिए हम सदा मुक्त हास्य मुस्कान के साथ जिएं, जीवन के खेल को हंसते हंसते जिएं और अपने आसपास एक सुंदर वातावरण का निर्माण करें। ओम शांति। मित्रों, देवियों की आराधना हम पंडालों में स्थापित करके कर रहे हैं, उनकी जड़ प्रतिमाओं के सामने हम गायन और पूजन कर रहे हैं, साथ ही ये भी अनुभव कर रहे हैं कि कैसे माँ हमें वरदानों से भरती हैं। मित्रों, जैसे हम इन देवियों की आराधना कर रहे हैं, वैसे ही कुछ ऐसी देवियाँ हैं जो समाज के कल्याण के कार्य अर्थ
अपने संपूर्ण जीवन को अर्पित करने वाली रही हैं, जिन्होंने ईश्वर की आराधना में, ईश्वर के ध्यान में अपने पूरे जीवन को रमा दिया और औरों को भी आध्यात्मिक जीवन जीने, अपने जीवन को देवत्व की ओर लिए चलने के लिए प्रेरित करती रहीं। ऐसी ही एक चैतन्य देवी स्वरूपा थी राजयोगिनी ध्यानी दादी जी, जो ब्रह्मा कुमारीज की फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहें और इस विश्वविद्यालय को शिखर तक पहुंचाने में इनका अहम योगदान रहा। आज ध्यानी दादी जी का स्मृति दिवस है, आइए महकती यादों में उनके जीवन के जो सुंदर पुष्प हैं, गुण रूपी पुष्प, उनसे हम भी स्वयं को महकाएं और उनके जीवन को देखते हुए हम भी प्रेरित हों अपने जीवन को आध्यात्म की ओर ले चलने के लिए। ध्यानी दादी का लौकिक नाम लक्ष्मी देवी था। ध्यान में जाने के कारण आपका नाम ध्यानी पड़ा। कल्प वृक्ष की जड़ में विराजमान 8 रत्नों में आप भी शामिल है। बहुत मीठे स्वभाव की होने के कारण प्यारे बाबा ने आपका नाम मिश्री रख दिया था। आपका स्वभाव बहुत ही सरल था और आप खुली पुस्तक की तरह अपने जीवन को सबके सामने रख देती थी। सिंध में ध्यानी दादी का घर बाबा के घर के पड़ोस में था। वहां जाने पर आपको ज्ञान का ऐसा इंजेक्शन लगा कि आप फौरन बाबा की हो गई। आप लौकिक में मम्मा की सगी मौसी थी। मातेश्वरी जगदम्बा को भी ज्ञान में लाने वाली ध्यानी दादी ही थी। विभाजन के बाद जब यज्ञ माउंट आबू आया, तब ध्यानी दादी 3 वर्षों के लिए दिल्ली में रही। अंबाला कैन में भी उन्होंने लंबे समय तक सेवा दी। दादी जी जितनी स्वीट थी उतनी ही स्ट्रिक्ट भी थी। उनके भीतर पालना के जबरदस्त संस्कार थे। वे ज्ञान युग की पालना पहले नहीं देती थी, पर पहले स्थूल पालना देती थी। जब निश्चय बुद्धि हो जाते थे तो ज्ञान योग से पक्का करती थी। आप 1979 में तबीयत के कारण मधुबन वासी हो गई। अंततः दशहरे के दिन आपने अपने पुराने शरीर को त्याग बाप दादा की गोद ली। मित्रों, देवियों को हम शिव शक्तियां कहते हैं। शिव शब्द शक्ति के आगे हमेशा जोड़ा जाता है, क्योंकि शक्तियों ने शिव से ही शक्ति लेकर अपने कर्तव्य को पूर्ण किया। कहा जाता है कि शक्तियों के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्तियां अधूरी हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके ही सृष्टि का कल्याण करते हैं। ये शक्तियां, जिन्होंने शिव से शक्तियां प्राप्त की, हमें भी प्रेरित करती हैं कि हम भी परमात्मा शिव से जुड़कर शक्तियां ग्रहण करें और अपने आप को विश्व कल्याण के कार्य में लगाएं। मित्रों, लगातार हम शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। अंत में, अपने सेगमेंट के अंत में, आज जो शक्ति है वो है समेटने की शक्ति। बहुत बहुत आवश्यक है विस्तार को समेटने की, क्योंकि व्यक्ति जब विस्तार में रहता है तो वो अपनी शक्तियों को जाया करता रहता है। वो ठीक से कार्य नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, यदि हमें उन्नति करनी है, कुछ कर दिखाना है, तो हमें व्यर्थ को समेटने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आज के विशेष दिवस पे हम ये संकल्प ज़रूर लें कि जो भी व्यर्थ का विस्तार है हमारे जीवन में, उसे हम समेट लेंगे, फोकस्ड होंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे, ताकि मेरा भी कल्याण हो और अन्य आत्माओं का भी कल्याण हो। तो एक बार पुनः आज के नवरात्र के चतुर्थ दिवस की आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। ओम शांति, नमस्कार।